अल्लाह الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर उठाना शीशा गराने फरंग का एहसान सफाले हिंद से मीनाव जाम पैदा कर मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सब हजरात दुरूद पाक पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों अजीज़ नौजवान साथियों
काबिल सद एहतराम मेरी माओ और बहनों, 24 ज़ुल्हिज्जा 1436 हिजरी 9/10/2015 जुम्मतुल मुबारक, आज दे मुख्तसर वक्त इस्लामी सन हिजरी सन दे बारे च कुछ गुजारिशात अर्ज करन दा इरादा है। अलामा इकबाल साहब अपने बेटे नूं नसीहत करदिया होया उन्होंने बड़ा एक लंबा चौड़ा कलाम आख्या, उहदे चो 3 शेर तुहाडी खिदमत च पेश कीते ने। अलामा साहब भी अल्लाह नूं प्यारे हो गए, उन्हां दा साहबजादा भी अल्लाह दे कोल चला गया चंद दिन पहले, जावेद इकबाल साहब। अलामा साहब ने अपने बेटे नूं नसीहत करदिया फरमाया, दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। कहिंदे हकूमतां च नाम पैदा करना, होर दुनिया के कम्मां च नाम पैदा करना, ये एडा कोई ज़्यादा कीमती चीज़ नहीं। इश्के इलाही च अपना नाम पैदा कर। नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर। अपनी दुनिया आप बनाने की कोशिश कर, लोगों की बनी बनाई तो मल मारन की कोशिश न कर। समझाने वास्ते अपने को एक गल कह लगे, शेर किसी का मारिया शिकार नहीं खाता, आप शिकार करता है तो बाकी दूजियां नूं भी दे चढ़ता है। उठा ना शीशा गराने फरंग का एहसान। कहते यूरोप अंग्रेज दे बहुते एहसानात अपने जम्मे ना नहीं, उन्हां कोलों ही ना पढ़ी लिखी जाई सारा कुछ। सफाले हिंद से मीना ओ जाम पैदा कर। कहते तू उस वक्त पाकिस्तान नहीं सी बनया, अलामा साहब पाकिस्तान बनन तो भी 8-9 साल पहले अल्लाह नूं प्यारे हो गए सन। उस वेले सब इंडिया सी, हिंद सी। कहन लगे तू ये ऐसे इलाके चों अपना निज़ाम पैदा करन दी कोशिश करी। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है। कहंदे मैं जिंदगी च पैसे दे पिछे नहीं नसिया, मैं जिस मकाम ते आ ये पैसे दी वजह नाल नहीं हैगा, मेरे तो ज़्यादा पैसे वाले लोग ने। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच। कहंदे कोई दुनिया च इदां दा मकाम आ जाए तो अपने आप नूं बेच के अपनी कीमत लवा के वेखी कितें गिर ना जाई। खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला नूं दे घर च कुछ नहीं सी, नाम अज तक जिंदा है। क्यों जिंदा है? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गुलामी दे नाल जिंदा है। बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला नूं दे कोल कुछ नहीं सी दुनिया दा, लेकिन नाम अज तक जिंदा है। क्यों जिंदा है? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुहब्बत जिंदा है। इस करके वो कहते ने मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। ये चूंकि मेरे मौजू ना ताल्लुक रखते सी, तो सैयद ना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला उन्होंने वाकई नया जमाना और नई सुबह शाम पैदा की दिया ने, यानी नवे नवे निज़ाम लियान की कोशिश की थी, मुनज़म तरीके नाल निज़ामे हकूमत चलाने की कोशिश की थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया तशरीफ ले आए तो बहुत सारे सन चल रहे सन, 15 सन दुनिया के अंदर मौजूद सी।
अलामा सैयद सुलेमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब रहमतुल्लिल आलमीन दे दूसरे हिस्से दे आखिरी सफहात ते उन्हां 15 दी तफसील जिक्र कीती जेड़े 15 सन दुनिया च राज ने खत्म हो गए। उन्हां विचों इस वक्त 3 सन साढ़े इलाके च मशहूर मारूफ ने। एक सन जेड़ा सब तो ज़्यादा मशहूर व मारूफ और तुसी भी इस्तेमाल करते हो दफ्तर च भी इस्तेमाल है सरकारी कागजा च भी इस्तेमाल है इनू कहा जाता है सन्ने ईसवी जो 2015 9 अक्तूबर 2015 ये जेड़ा सन है ये साढ़े हाँ सब तो ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है इनू सन ईसवी कहा जाता है। ये हज़रत ईसा अलैह सलात व सलाम की पादैश तो शुरू होया है। एक अलग बहस है कि वाकई 1 जनवरी उन्हां दी पैदाइश का दिन है सी कि नहीं ये अलग गल है लेकिन उन्हां दा ये सन 1 जनवरी तो शुरू करन दा प्रोग्राम कि ये हज़रत ईसा अलैह सलात व सलाम की पैदाइश तो असी शुरू किया है। ये क्रिश्चियन लोग ईसाई लोगों का इस करके जदों ये सन लिखा जाता है 9 अक्तूबर सन 2015 ये नाल हमजा पाया जाता छोटा जिहा वो हमजा की है वो हमजा नहीं हो वो ऐन है वो ईसा का ऐन है वो ईसवी का ऐन है निशानी के ये जिहड़ा सन है हज़रत ईसा अलैह सलाम वाला ईसवी सन जिहड़ा है ये वो है। दूसरा सन जिहड़ा साढ़े इलाके दे अंदर इस तो दूसरे नंबर पर इस्तेमाल होंदा है और दीन वाले लोग उन्हों ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो है सन हिजरी। ये साढ़े आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत तो तरतीब पाया है उतों शुरू हो गया है उतों लैके अज तक तसलसल दे नाल चल रहा है सन हिजरी। इस करके जदों सन हिजरी लफज लिखा जाता है 1436 यानी अज 24 जुलहिजा 1436 ये 1436 दे नाल छोटा जिहा हे पा दिता जाता है। वो हे की चीज़ है वो हिजरी का पहला हरफ है ये निशानी हो गई भी ये सन हिजरी। 1436 साल हो गए साढ़े आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मक्का शरीफ तो मदीना शरीफ की तरफ हिजरत। तीसरा सन जेड़ा साढ़े इलाके दे अंदर ज़्यादा मशहूर और मारूफ और इस्तेमाल होंदा है और जटके लोग और देहाती लोग इनू ज़्यादा समझते हैं पुराने जमाने के लोग भी इस सन का ज़्यादा जिक्र करते हैं इनू बिक्रमी कहा जाता है जिन्हों हिंदी और सिखा का सन आख्या जाता है। ऐ चेत वसाख सौन भादों जेठ हाड़ ये महीनों के जिदे नाम ने यदा असल सन का नाम बिक्रमी सन है और इन्हों का बिल्कुल थोड़ा थोड़ा जहा फर्क है आपस के अंदर। बिक्रमी मेरा एक दिल चाहता सी कि जिस तरह मैं जुमे दे विच हिजरी तारीख भी दसदा ईसवी तारीख भी दसदा तो बिक्रमी भी नाल ही दस दिया करा। ये प्रॉब्लम यह आ गई मुश्किल आ गई कि तारीख रलदी कोई नहीं। एक अखबार से देखी उन्हें लिखा 13 तारीख दूसरे ते लिखी देखी उन्हें लिखा 14 तारीख इक्को ही दिन दी। एक ते देखी उन्हें लिखा 15 तारीख मैं क्या भी हुण फैसला की करिए इस वास्ते वो फिर मैं उदा तर्क कर दिता भी ये तारीख का फैसला करना मुश्किल है इस करके इनू नज़रअंदाज करो। लेकिन वह सन जिहड़ा हुण चल रहा बिक्रमी का ये सब तो ज़्यादा पुराना सन है सन 2072 चल रहा वह तो जिहड़ा ईसवी है यदा 2015 ये 2015 2072 दे विचों 2015 नू कढ़ दिओ तो यह रह जांदा 57 हाले बना तो
सतविंजा, ये सतविंजा हो गया, यानी सतविंजा सिर्फ एदे विच थोड़ा जिहा फर्क है आपस दे विच दिनां दा। ते 57 दिन का फर्क है, 57 साल का। इस वास्ते इहदे नालों जिहड़ा चन्न दा सन है इहदा फर्क ज़्यादा है। ये 2000 तो पहला तो 6 सदियां वैसे ही थले आ गया, 1436 हिजरी। इस करके ये सब तो लेटेस्ट जिन्हों तुसी कहंदे हो आखिरी और जदीद तरीन सन है दुनिया का। सन हिजरी सन साढ़े आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत तो चलिया। ये एक मालूमात है कि दुनिया के विच कितने सन सी जिहड़े आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त मौजूद सी। उन्हां विचों 3 सन हुण चल रहे हैं साढ़े इलाके दे अंदर। ये उस बहस का लुबे लुभाव है। अगला मरहला साढ़े आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सन इस्तेमाल करन दी कोई शै नहीं मिल रही कि आपने कदे किसी चीज़ का सन दसिया होवे कि सन इन्ने सो फलाना सन इन्ने सो। जे आपने किसी सन का जिक्र फरमाया होंदा तो साढ़े वास्ते एक रहनुमाई आ जानी सी सामने कि आपने फलाने सन नूं तरजीह दित्ती सी, लेकिन आप दे कोलों किसे सन दा जिक्र नहीं मिलता। की मिलता आप दे कोलों? आप दे कोलों महीनिया की तरतीब मिलती, दिनों की तरतीब मिलती। मसलन आपने जुमे दे दिन दू अहमियत दिती, ये तरतीब सानू मिल रही है अहादीसे मुबारक दे अंदर। ये तरतीब सानू मिल रही है कुराने पाक दे अंदर। जुमे की अहमियत यानी एक दिन की अहमियत साढ़े सामने आ गई। ईमान वालेओ जुमे वाले दिन जदों अजान आखी जावे निदा लगाई जाए अजान आखी जाए फसाओ इला जिक्रिल्ला अल्लाह के जिक्र की तरफ आ जाओ। अल्लाह का जिक्र हो रहा है मस्जिद दे विच उत्थे शामिल हो जाओ। और अजान तो मुराद पहली अजान जिहड़ी हुण तो 15 मिनट अद्धा घंटा पौना घंटा पहला हो चुकियां ने मस्जिदां दे अंदर, वह अजान मुराद है। कि जदों अजान होवे सब कुछ छड़ दिओ अल्लाह दे जिक्र दी तरफ आ जाओ। वाज़रुल बई कारोबार बंद कर दिओ, कारोबार नूं छड़ दिओ। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। ये बहुत चंगी गल है तुहाडे वास्ते जे तुहानू इस गल का पता लग जाए। दिनां दी अहमियत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो भी मौजूद है, कुरान च भी मौजूद है। महीनों की अहमियत भी मौजूद है, कुरान च भी मौजूद है और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो भी मौजूद है। मसलन शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। महीने की अहमियत भी सानू मिल गई, सानू दिनों की अहमियत भी मिल गई, कुरान तो भी मिलती है और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीसे मुबारक तो भी मिलती है। इत्थे हुण एक गल ज़हन च रखण वाली है, ओए बेटा ना बेटा ऐसा ऐसा बातें करो अगर करनी है ऊंची ना करो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अगर दिनां दी अहमियत मिलदी है तो आपने उत्थे जिहड़ा लफज इस्तेमाल किया वह लफज इस्तेमाल किया जुमा, आपने उत्थे लफज इस्तेमाल किया जे इस्तेमाल किया तो आपने यौमुस सब्त हफ्ते का दिन अरबी दे अंदर कहा हूं यौमुस सब्त। कुरान पाक के अंदर भी यौमुस सब्त मौजूद है। आपने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए
जुमा, यौम सब्त, यौम अहद, यौम इस्नैन वगैरह दूसरे लफ्जों च आपने इंग्लिश को इस्तेमाल नहीं किया। आपने महीनों का नाम लिया तो चन्न वाले महीनों का नाम लिया, किसी दूसरे महीनों का नाम नहीं लिया, ना कुरान च है ना हदीस च है। कुरान पाक च जिस महीने का भी लफज आया उसका ताल्लुक चन्न वाले महीने नाल है। हदीस पाक के अंदर जिस महीने का भी आपने तज़करा फरमाया है उस महीने का नाम चन्न वाले महीनों मिलता है, दूसरे महीनों नहीं मिलता। इतों एक गल का पता लग्या कि कुरान और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चन्न वाले महीनों पसंद करते, दूसरे नहीं सी पसंद करते, तरजीह देंदे सन। आप चन्न वाले महीनों तरजीह देंदे सी और जुमे वाला दिन या इहदे नाल दे जिहड़े लफज ने उस ग्रुप नूं दिनां दे नाम नूं तरजीह देंदे सन। इतों सिर्फ इन्नी गल का पता लग गया। तो जदों असीं कुरान पाक देखिया, कुरान पाक ने दोनों किस्म के सन्ना का जिक्र किया, शमसी भी जिहड़ा जनवरी फरवरी के हिसाब न चल रहे, कमरी भी जिहड़ा चन्न के हिसाब न चल रहे। मसलन फरमा इन्ना इद्दत शहरा, फरमाया अल्लाह के नज़दीक साल के बारह महीने ने, यौम खलक समावाति वल अर्ज़, जिस दिन से अल्लाह ने ज़मीन को बनाया, जिस दिन से अल्लाह ने आसमानों को बनाया, उस दिन से लेकर आज तक अल्लाह के दरबार में साल के बारह महीने होते हैं। ये बारह केड़े ने? ये नहीं कुरान ने आखी, शमसी ने, कमरी ने, यदि वजाहत नहीं की थी, बारह की वजाहत की थी भाई साल के महीने बारह ने। और ये इदा के पक्के बारह ने कि पूरी दुनिया ही बारह ने, हर जगह पर ही बारह शुमार होंगे। ये अलग गल है भी उन्होंने सन अपना अपना शुमार बारह महीने। दूसरी जगह पर कुरान ने ग्यारहवें पारे दसवें पारे की आयत है, ग्यारहवें पारे च इरशाद फरमाया सूरह तौबा का पहला रुकू, फरमाया हुवल्लज़ी जअल शम्स ज़ियाअन वल क़मर नूरा, जिसने सूरज को पैदा किया, जिसने चांद को पैदा किया, सूरज को पैदा किया ज़िया के लिए और चांद को पैदा किया नूर के लिए, है दोनों रोशनियाँ। एक वास्ते लफज इस्तेमाल किया ज़ियान, अगर दुआत पढ़नी है तो पढ़ लो ध्यान। जे चंद का जिक्र फरमाया तो वो रोशनी नूं ज़ियान नहीं आख्या, रोशनी नूं आख्या नूरन। ज़िया और नूर, तो तुसी जो सूरज के सामने आते हो तो चंद के तुहानू आप नहीं फर्क महसूस होंगे, चन्न की लाइट उड़ तरन की हैगी, सूरज की लाइट उड़ तरन। ये सामने खलो जाओ तो इंशाअल्लाह 10 मिनट के हशर हो जाएगा, तो चन्न के सामने एक घंटा भी खलोते रहो, इन्हां गर्मियों के दिनों भी तो कुछ नहीं होता। तो जदों भाई इन्हां दा अपना फर्क है हकीकत का, तो मालिक ने भी लफ्जों फर्क कर दिता भी वह होर चीज़ है, ये होर चीज़ है। जाल शम्स ज़ियाअन वल क़मर नूरा, मैं तफसील च नहीं जाना चाहता, इशारा जरूर कर रहे हैं तो ज़हन में मुतवज्जे करने वास्ते, बे कुरान ने जो लफ्ज़ बोले ने ना, इन की हकीकत कुछ और है, इन दे हकायक ने। सूरज की रोशनी नूं ज़ियान आख्या, चन्न की रोशनी नूं नूरन आख्या, दोनों दे विच फर्क है। ज़िया होर चीज़ है, नूर होर चीज़ है। अल्लाहु अकबर। किसी ने तो किसी जमाने ज़ियाउल हक ते तनकीद करद कहा सी, कितने जालिम हैं कि जुल्मत को ज़िया कहते हैं, कितने बेदर्द हैं सरसर को सबा कहते हैं। खैर ये सियासी लोगों दिया गल्लां ने, लेकिन कुरान पाक ने इशा फरमाया ज़ियान नूरन। इत्थे भी कुरान ने इशा फरमाया कि ये दो असी क्यों बनाए, चन्न ते सूरज नूं क्यों बनाया, लिताल मुआदद सिनीन वल हिसाब,
ताकि तुम सालों की गिनती गिन सको और हिसाब ठीक रख सको। सूरज और चांद, इतों मालूम होया कि इस्लाम कमरी शमसी दोनों निजामों दस रहे हैं। हुण अगे आ तरजीह, एक जगह पर आके कुरान ने चंद वाले निजाम को तरजीह दी। फरमाया यस अलूनका अनिल अहिल्ला, लोग आपसे चांदों के बारे में पूछते हैं, चांदों के बारे में। ये नहीं आख्या यस अलूनका अनिल हिलाल, चांद के बारे में पूछते हैं, ये नहीं आख्या। कुरान पाक ने एक एक लफज के अंदर हकीकतां दे पर्दे उठाए हुए ने, इंकशाफ किए ने। फरमाया यस अलूनका अनिल अहिल्ला, लोग चांदों के बारे में पूछते हैं। मालूम होया कि सवाल करने वालों के सवाल का मकसद ये नहीं सी कि चन्न क्यों पैदा किया, बल्कि उनका मकसद सी चन्न कदे छोटा कदे वड्डा कदे पूरा कदे फुल कद फिर आ गया कद छुप गया। फिर इन्ने जो चन आ जा रहे ने इन्हों का की मकसद है? यस अलूनका अनिल अहिल्ला। अल्लाह दे कुरान ने फरमाया कुल, ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा दियो, हिया मवाकीतुल यस अलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिया मवाकीतुल लिन्नास वल हज। आप इरशाद फरमा दें ये लोगों के वक्त का जरिया और हज के टाइम का जरिया है। इत्थे कुरान पाक ने फरमाया लोगों के वक्त हज का टाइम। कुरान को कह देना चाहिए सी ना इत्थे जनवरी के मुताबिक या फरवरी के मुताबिक, नहीं कुरान ने कहा नहीं, चन्न के मुताबिक। हज चन्न के मुताबिक, रोज़ा चन्न के मुताबिक, ईद उल फितर चन्न के मुताबिक, ईद उल अज़हा चन्न के मुताबिक, दस मुहर्रम चन्न के मुताबिक, और पंद्रह शाबान जिन्हों शबराज कहते हैं चन्न के मुताबिक। ये सारा निज़ाम इस्लाम का चन्न के नाल वाबस्ता है। तो जदों महीने तो दिन चन्न वाले ने, तो फिर सन वाले, सन का जदों टाइम आता सन वारी फिर पिछे क्यों हट जाते हो? नहीं, फिर सन वारी भी यही होना चाहिए। इस करके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा पसंदीदा सिस्टम वो कमरी सिस्टम है। आपने चन्न दियां तारीखां नूं पसंद फरमाया। दूसरियां तारीखां भी जायज़ ने, हराम नहीं है। कोई आदमी अगर वो लिखता है या इस्तेमाल करता है हराम नहीं, लेकिन आका दा पसंदीदा सिस्टम होए। इदां ही चलता रहा सिस्टम। सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला नूं दा जमाना गुजर गया खिलाफत दा, हज़रत सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला नूं दा जमाना आ गया। जुमाद असानी दी 30 तारीख सन 17 हिजरी, जुमाद असानी दी 30 तारीख और सन 17 हिजरी, 17 दी जुमे रात दा दिन आपने फरमाया इजलास बुलाओ, सदो सारे। उन्होंने कहा तारीख लिखनी होंदी है तो चलो दिन तो महीना समझ आता, लेकिन साल लिखना हो किवें लिखना है यदा हल करो। लंबी चौड़ी बहस होंदी रही, लुबे लुबाब खुलासा उन्होंने कहा आका चन्न वाले निज़ाम को पसंद करते सी, सानू वो निज़ाम हुण चलाउणा चाहिए हकूमती सतह ते। हकूमती सतह ते बहस ते लुबे लुबाब का खुलासा निकलिया कि मुहर्रम दी महीना, मुहर्रम दा पहला रख लो, पहली मुहर्रम दी तारीख तो काम शुरू करो, तो इहदा नाम रखो सन हिजरी। जिहड़े साल आका ने हिजरत कीती सी ना उस साल तो गिनती शुरू कर लो। आका दी पैदाइश तो भी शुरू कीती जा सकती सी, आका दे विसाल तो भी शुरू कीती जा सकती सी। इहदे ते बहस हुई बकायदा भी उत्थों शुरू कर लीए, गारे हिरा तो शुरू कर लीए, आका दी पैदाइश तो शुरू कर लीए, आका दे विसाल तो शुरू कर लीए। इत्थे बकायदा दोनों तरफ दे विच दलायल होए ने, वो सारे मैं बाईपास कर दिते ने। लुबे लुबाब अर्ज कर रहे हैं, खुलासा अर्ज कर रहे हैं कि सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मुहर्रम दी यकम तारीख तो और आका दे हिजरी वाले साल तो साडा सन शुरू हो जाएगा। शुरू कर लिया
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سن پھر ادو تو جیوں چلیا جیوں چلیا امت دے اندر جڑیاں اسلامی حکومتاں آئیاں انہاں ساریاں دے وچ یہ سن چلدا رہے. تاریخ اسے سن دے مطابق سعودیہ دے وچ ہون بھی سرکاری سطح دے اتے جڑی تاریخ لکھی جاندی ہے وہ یہی چند دے حساب دے نال چل رہے ہیں. تے حضرت فاروق اعظم نے تو یہ تاریخ استعمال کی تھی، حضرت عثمان غنی نے تو یہ تاریخ استعمال کی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے تو یہ تاریخ استعمال کی تھی، تو ہن تسی کیڑی کرتے ہو؟ نعرے تو وجدے نے فاروق اعظم زندہ باد، صدیق اکبر زندہ باد، حضرت علی مرتضیٰ، اور اللہ دے بندے ہو نعرے ہی مارنے نے. کوئی الوی بن گیا، کوئی فاروقی بن گیا، کوئی عثمانی بن گیا، سسٹم کتھے؟ انہاں والا نظام کتھے؟ انہاں نے جس تاریخ نو پسند کیتا کیوں نہیں پسند کرتے؟ جس سن نو پسند کیتا کیوں نہیں پسند کرتے؟ جیڑا سن انہاں نے رائج کیتا تسی اپنی فیکٹری کیوں نہیں رائج کرتے؟ اسی فاروقی نہیں، عثمانی نہیں، الوی نہیں، حضرت علی مرتضیٰ دے نال محبت نہیں، انہاں والا سن کیوں نہیں استعمال کرتے؟ علامہ اقبال صاحب نے کہا وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، رہ گئی رسم ازاں رسم ازاں رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خاں ہیں کہ نمازی نہ رہے. علامہ صاحب نمازی تو ہے گئے، کہتے یعنی وہ اوصاف حجازی نہ رہے. نمازیاں دیا صفتہ ہوں دیا ہیں بھی پیر چوڑا کرنے تو لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں، اے صفتہ ہوں دیا ہیں بھی پکھا چلاؤں تو لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں، اے ہو گئی ہیں کہ اگے پیچھے کھڑے ہوندے بھی لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں. اے اوصاف نے نمازیاں دے صف پہلی دے بیچے تے کمائی دے وچ ایک ٹیڈی پیسہ بھی حلال دا نہیں ہے، پہلی صف کھلوتا ہے. اے اوصاف نے، اے نمازیاں نے، حج اکتیواں کرن جا رہے ہیں اور کمائی حرام دی ہے، سود دی کمائی ہے. کہنے لگے میں دیکھ رہا ہوں، مینوں پتہ بھی چار صفاں فلانی مسجد نے، دس صفاں فلانی مسجد نے، پنجاں صفاں فلانی مسجد نے. مسجد مرثیہ خاں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ اوصاف حجازی نہ رہے. تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر، اللہ سانو او نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.